हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रियंका शर्मा। आज हम बना रहे हैं ये खूबसूरत सी डिज़ाइन। इसके लिए मैंने कैनवास काट लिया है। इसकी लंबाई ली है मैंने 15.5, और इसकी जो चौड़ाई ली है मैंने 1.5 इंच। यहाँ से मैंने एक और पट्टी ली है, ये 15 इंच की है। इसकी चौड़ाई ली है मैंने 1.8। आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं। ये मैंने 1.8 का, इसका मैंने 20 सेंटर निकाल लिया है और इस पर इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। आप चाहे तो कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं इस पर। ये हमारी दोनों पट्टियाँ हैं। इस पट्टी पे हम कपड़ा लगा लेंगे जो हमारी ऊपर वाली थी, इसको हम कॉलर बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको कॉलर बना लिया है। दो कपड़े लिए हैं और बीच में से सिलाई लगा के इसको जोड़ लिया है। और इस तरीके से इसके कोने निकाल लेंगे हम, और इसको बाद में इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे। ये दोनों कपड़ों को हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने ये वाली स्ट्रिप भी रेडी कर ली है। इसमें कपड़ा लगा के ये इस तरीके से लग रही है। ये मैंने इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया है। इस तरीके से हम अपने गले का नाप लेकर आप उतनी ही बड़ी पट्टी लीजिए और उसमें 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले लीजिए। अगर आपको उसमें डोरी लगाना है तो आप उसमें एक्स्ट्रा मत लीजिए। अगर आपको उसमें टच बटन लगाना है तो उसमें आप 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले लीजिए। इस तरीके से हम 20 सेंटर निकाल कर इसको यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद हम गला बनाएंगे। तो गले के लिए लिया है मैंने 3 इंच का। हम गला बना रहे हैं। यहाँ से मैंने इसकी जो लंबाई ली है वो 6 इंच ली है। आप चाहे तो और बड़ा भी ले सकते हैं और छोटा भी ले सकते हैं। हमारे गले की 3 इंच लंबाई है। इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसमें कैनवास लिया है। इस तरीके से हम इसमें गोलाई लगा देंगे और इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम इसकी और शेप लगा देंगे नीचे भी। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है इसकी। इसी तरीके से हम इसका जो पीछे का बैक गला है वो भी बना लेंगे। इसकी लंबाई ले रही हूँ मैं 9 इंच। आप चाहें तो उसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये भी हम 3 इंच का ही लेंगे। इसको भी आप चाहे जिस शेप में बना सकते हैं, चाहे तो चोकर बनाइए या फिर गोल बनाइए। इसमें हम शेप लगा देंगे और इसकी भी हमने कटिंग कर ली है। इसको अब कपड़े पे अटैच कर लेंगे। ये इस तरीके से हमने कपड़ा ले लिया है। इसके साइड से हम इसको फोल्ड कर देंगे और ये आगे वाले को भी फोल्ड कर देंगे। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है। इसका बीच सेंटर हम निकाल लेंगे और ये हमारा फोल्ड होकर रेडी हो गया है। इस तरीके से हम कैनवास को, जो हमारा गला बना है वो, इसको हम इस पर लगा देंगे और साइड साइड से सिलाई लगा कर अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमने इसकी कटिंग भी कर दी है। अब यहाँ पर जो हमारी गोलाई है इसमें हम नोचेस लगा देंगे ताकि ये गोलाई पे अच्छे से मुड़ जाए। तो ये हमने नोचेस लगा लिए हैं। इसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये मैंने अब फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने इसका 20 सेंटर निकाल लिया है सूट का और इस तरीके से हम अपनी तैयार की हुई पट्टी लगा देंगे। ये पट्टी को हम आपने गले की लंबाई के अनुसार 7.5, 7, जितना आपका गले की लंबाई हो, ऊंचाई जितने पे आपको ये पट्टी लगाना हो, ये लगाना हो उस टाइप से रखिएगा। 6 पे भी लग सकती है, 7 पे भी लग सकती है। तो ये मैंने 7.5 पे लगाई है और इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। बीच में आलपिन से इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे और यहाँ पर अगल बगल हम इसकी सिलाई लगा देंगे। ये इस तरीके से यहाँ पर हम फोल्ड कर देंगे और ये ऊपर वाली पट्टी का हम 20 सेंटर निकाल लेंगे। ये हमने इस तरीके से इसका 20 सेंटर निकाल लिया है और इसको भी हम यहाँ अटैच कर देंगे। ये इस तरीके से यहाँ पर भी हमने एक अल्पिन लगा दिए। यहाँ पर हम पूरे इसमें सिलाई करके इसको अटैच कर लेंगे। ये मैंने सिलाई करके अटैच कर लिया। ये टच बटन हम यहाँ पर लगा देंगे इसके।
ये इस तरीके से हमारा फाइनल सूट बन गया। ये ये हमने हमने शो बटन शो बना लिए बटन हैं, बनाए, तो तो यहाँ ये शो पर बटन हम यहाँ पर लगा देंगे। आप चाहे तो मार्केट से भी ला सकते हैं या घर पे भी बना सकते हैं। ये मैंने घर पे बना लिए हैं, तो इस तरीके से हमारे सूट में इस हम ये तरीके से लगा हम देंगे। शो बटन लगा देंगे। ये हमारा सूट और ये इस बनके तरीके से हमारे रेडी हो सूट गया। का फाइनल लुक है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।